इसमें जूम इन, इसमें जूम आउट। तो इस तरीके से आप अपने किसी इमेज या फिर किसी भी टेक्स्ट में, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज में आप जूम इन जूम आउट का इफेक्ट डाल सकते हैं। हेलो नॉलेज सीकर्स, कैसे हो आप लोग। जैसा अभी आपने इंट्रो में देखा कि किसी इमेज पर हम अपना माउस ले जाएं और उसका रेजोल्यूशन बदले तो कितना ऑसम इफेक्ट होता है, जिसे जूम इन या जूम आउट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें जूम इन और जूम आउट इफेक्ट अपने किसी प्रोजेक्ट में कैसे डाल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आओ देखते कैसे। तो सबसे पहले आपको इंडेक्स और स्टाइल, सॉरी HTML और CSS, आपको दो फाइल्स बना लेनी है। और VS कोड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो बेसिक HTML टेम्पलेट रेडी कर लेते हैं जल्दी से। एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर, ये रहा हमारा बेसिक HTML टेम्पलेट। CSS फाइल को इंडेक्स फाइल के साथ लिंक करना है, बहुत आसान है। लिंक क्या लिंक करना है, हमें style.css लिंक करना है। तो लेट अस इंपोर्ट अ इमेज, उसके बाद हम देखेंगे कि उस इमेज पे हम इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं। इमेज इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली img टैग डालते हैं और src होता है सोर्स। अब इमेज का सोर्स क्या है, तो हम डालते हैं हमारे पास जो फाइल है human.png। ठीक है, फाइल का नाम डाल दें। अभी यहाँ पर मैं इसे लाइव सर्वर के साथ ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको वो ह्यूमन की फाइल दिख जाएगी। ओके, लेट्स गो अहेड एंड ओपन इट विद लाइव सर्वर। ये रही हमारी इमेज। अब इस इमेज का रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। अब इसको मैं style.css से थोड़ा सा छोटा करूँगा। जो बेसिक पैडिंग और मार्जिन होती है उसे हम हटा देते हैं। पैडिंग 0 और मार्जिन 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ पैडिंग और मार्जिन होती है, तो हम उसको हटाने के लिए सिंपली ये यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास इमेज है, उस इमेज को मैं विड्थ 50% कर देता हूँ तो थोड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक है, छोटी हो गई। अब इस इमेज पे हम अगर अपना माउस ले जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो चलो इसमें दो इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला, जब हम इस पर माउस ले जाएं तो इस कर्सर का टाइप बदल जाए। तो इस कर्सर का टाइप बदलने के लिए हम क्या करेंगे, होगा सबसे पहले कर्सर, और कर्सर किस टाइप का जाना चाहिए, पॉइंटर टाइप का। तो ये देखो कर्सर हमारा चेंज हो रहा है। तो हमारा बेसिक ये था कि जब भी हम इसके ऊपर कर्सर ले जाएं तो ये जूम इन हो, वो नहीं हो रहा है। तो वो कैसे होगा, बहुत आसानी से होगा। आप इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग, स्केल हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे वो आप पर डिपेंड करता है। तो अभी हम जूम इन का देखते हैं। तो यानी कि जब हम कर्सर लेकर जाएंगे इसका साइज बदल जाना चाहिए। साइज कितना होगा, लेट अस अज्यूम 1.1। ये देखो बहुत ही आसानी से जूम इन हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अजीब है, उतना स्मूथ नहीं है। तो स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन हर एक ऑब्जेक्ट पे कितना टाइम लेगा, 0.5 सेकेंड्स, और किस तरीके का होना चाहिए, ईज इन। तो क्या ये हमारा काम कर रहा है, तो चलो देखते हैं। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। सिर्फ इमेज पर ही कर सकते हैं क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, हम टेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। लेट अस से हमारे पास कोई टेक्स्ट है, ग्रेडल बिल्डर्स। इस टेक्स्ट को सबसे पहले हम थोड़ी सी मार्जिन दे दें लेफ्ट से, ठीक है, बीच में आ गया। अब हमें इसमें क्या होवर इफेक्ट डालना है, तो होवर इफेक्ट डालने के लिए कर्सर को पॉइंटर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कर्सर को पॉइंटर करना, बट थोड़ा इंटरेक्टिव सा लगता है जब भी आप कर्सर अपना किसी टेक्स्ट या इमेज पर लेके जाएंगे। उसके बाद सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, ट्रांसफॉर्म स्केल, इसको चलो छोटा करते हैं 0.9। ये देखो छोटा हो रहा है बट काफ़ी रिजिड है। इसको स्मूथ करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांजिशन, और इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, लेट अस से 0.1 सेकेंड, और ये होना चाहिए ईज इन ईज आउट। सी ईज आउट, इसमें जूम इन, इसमें जूम आउट। तो इस तरीके से आप अपने किसी इमेज
या फिर किसी भी टेक्स्ट में, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ में आप जूम इन जूम आउट का इफेक्ट डाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछना। अगर हमें कोई चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए तो वो भी बता देना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऑसम ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।